चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग दू नेपाल भ्रमण के लेल नेपाल आब रहा तेईस वर्ष बाद चीन के कोनो राष्ट्रपति नेपालक भ्रमण कर जा रहा जनवादी गणतंत्र चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग के एक रिपोर्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिंग दू दिनक नेपाल भ्रमण के लेल शुक्र दिन नेपाल आब रहा शी जनवादी गणतंत्र चीन के सर्वोच्च नेता रलाये राष्ट्रपति शी के जन्म पन्द्रह जून सन उन्नीस सौ तिरपन में बीजिंग में भेल भी हनक पिता के नाम शी झोंंगसुन आ माए के नाम की शीन रहा शी चीनिया साम्यवादी पार्टी के पुरान नेता शी झोंगसुन के पुत्र रला सन उन्नीस सौ तिरसठ में दस वर्षक उमेर में शी के पिता के पार्टी से निकाल गेल छल एक बाद सब के हेनान के लुयांग में रहल एक कारखाना में काज करब भेज दिल सन उन्नीस सौ छियासठ में सांस्कृतिक के समय शी के माध्यमिक शिक्षा में अवरोध कैल छल सी पंद्रह वर्ष के रहा अवस्था में हुनक पिता के सन उन्नीस में जेल भेज दिल ग पिता के छत्रछाया पावस से वंचित भेल सी के किशोर अवस्था बहुत कठिनाई से गुजरल हुनका देहातक रेगिस्तानी सब विरुद्ध कार्यवाही के समय में गिरफ्तार समेत कैल गया तत्पश्चात शी के गुफा में जोखिमपूर्ण काज कर भेज दिल तहिना व्यतीत केने कठिन समय के कारण आई राष्ट्रपति बनल वो बतबित शी सन उन्नीस सौ पचहत्तर से उन्नीस सौ उनासी श्रमिक किसान सैनिक छात्र के रूप में बीजिंग के शिंगवा विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन केने छला शी के विवाह ओतुक चर्चित गायिका पेंग लियुआन संग सन उन्नीस में वो चीन कम्युनिस्ट यूथ लीग आ सन उन्नीस में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी में आबद्ध सन् उन्नीस सौ में हुनका हेबई के झोजिंग काउंटी के पार्टी के उप सचिव के रूप में भेजल गल् हन उन्नीस 1983 में सचिव के रूप में पदोन्नत कैल गल शी बाद में अपन क्षेत्रीय राजनीतिक कैरियर के दौरान चार प्रांत में सेवा प्रदान कने छह सन उन्नीस में उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पंद्रहम सेंट्रल कमिटी में एक वैकल्पिक सदस्य बनाल गया एकर बाद सन उन्नीस में उनका फुजियान के उपराज्यपाल आ एक साल बाद राज्यपाल बनाल गल् शी सन 2002 में पार्टी के पूर्ण सदस्य चुनल गया साम्यवादी पार्टी से जुड़ल शी राजनीतिक यात्रा के आरंभ में फुजियान प्रांत में काम कने एक बाद पड़ोस में रहल झोजियांग प्रांत के पार्टी नेता में नियुक्त भेला। तत्पश्चात हा शांघाई जेहन महत्वपूर्ण क्षेत्र के पार्टी प्रमुख बनाल गल शी सन 2007 में केंद्रीय पार्टी विद्यालय के अध्यक्ष बनल छला तहिना सन 2008 से 2013 हज़ार ओ जनवादी गणतंत्र चीन के उपराष्ट्रपति के जिम्मेवार छला सन् दू हज़ार सात से सा, सन् दू हज़ार बारहधर साम्यवादी पार्टी के केंद्रीय समिति के सचिवालय के प्रथम सचिव सन् दू हज़ार चौदह में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष आ सन् दू हज़ार बारह केंद्रीय सैनिक समिति के अध्यक्ष बनल छला ओ साम्यवादी पार्टी के सर्वोच्च पद केंद्रीय महासचिव सन् दू हज़ार बारह में चयन छला कर बाद सन दू हजार तेरह मार्च चौदह तारीख से जनवादी गणतंत्र चीन के राष्ट्रपति के जिम्मेवारी सम्हारने सी भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता अपनाबित सी पार्टी भीतर के बहुत नेता के पार्टी से बाहर वो एहन देश के अगुवाई कह जे दुनिया के सुपर पावर बनवा रस्ता पर रहा खेती किसानी को सत्ता के शिखर धर पहुंचा वाला बहुत कम नेता में से वो एक रला सी जिनपिंग दू किस्म के जिंदगी अनुभव कने हुनक पिता कम्युनिस्ट क्रांति के हीरो छला तैं राजकुमार वाला जिंदगी के अनुभव से हो हुनका हाला तहिना कम्युनिस्ट क्रांति के समय किसान सब बीच रहला सा किसानक जिंदगी के अनुभव रहा टेलीविजन ब्यूरो जनकपुरधाम